हाय फ्रेंड्स, मुँ आज आपण पाम्फ्लेट माछर रेसीपी नहीं आसी यार टेस्ट बहुत ही भल आशा करुच्छी आपण को मोर पाम्फ्लेट माछर रेसीपी भल लगे। तो चलतु लेट करवानी फटाफट स्टार्ट करवा पाम्फ्लेट माछर रेसीपी। तो पाम्फ्लेट माछ प्रस्तुत करने गोटे के जी पाम्फ्लेट माछ नहीं काटिकी भल भाव धोईकी सफा कर ये गोटे चामच हलदी पाउडर आ गोटे चामच लुण दे भल भाव मैरिनेसन कर। तो लेट करवानी फटाफट चलतु मछ को फ्राए करवा प्रोसेस को जीवा। तो मछ को फ्राए करने मु गैस ऑन करी कड़े बसई। तो कड़े रे तेल ऐड करवा 6-7 चम्मच रिफाइन तेल ऐड करवा। तेल को गरम होगा को दबा। तेल ये गरम हो गला तेज चलतु गोटे गोटे कर माछ को ऐड करवा। तो तेल ये बहुत गरम अच्छी गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबा हाई टू मीडियम फ्लेम रे माछर गोटे साइड को 3-4 मिनिट पर्यंत फ्राई करी नबा। तो ये देखंतु माछर गोटे साइड 3-4 मिनिट हो गला। तो माछ को उल्टी नबा। तो माछ को उल्टेला परे माछर आ गोटे साइड को भी आमे 3-4 मिनिट पर्यंत मीडियम फ्लेम रे फ्राई करी नबा। तो ये देखु माछर दुईपट साइड बहुत बढ़िया भाव में फ्राई हो। तो माछ भजा ये रेडीगला। तो ये माछ भजा को चलतु गोटे प्लेट को बाहर करी नबा। तो ये आमर माछ भजा रेडीगला। तो माछ भजापाई आम चलतु तरकारी प्रस्तुत करवा। तो तरकारी बनवाई मसला रेडी करवा। तो मसलार ये गोटे चामच जीरा नहीं गोटे बड़ साइज़ रो प्याज को काटी नहीं छी गोटे इंच रो अदा नहीं छी आ 10-12 खोला रसुण नहीं छी। तो ये चलतु आपको यार गोटे पेस्ट बनवा। तो पेस्ट बनवाई ये गोटे मिक्सी जार नहीं छी। तो मिक्सी जार रे अदा रसुण प्याज आउ ये आम जीरा ऐड करवा आउ ए जार रे चलतु 4-5 चम्मच आम पानी ऐड करवा। ऐड कर मिक्सी जार रो कवर को दे दबा आ यार गोटे फाइन पेस्ट बने नबा। तो ये देखंतु मु मसला को भल भाव पीसी नहीं छी। तो तरकारी प्रस्तुत करिबा पई एठी हमर मसला रेडी हे गला। तो एबे चलंतु आमे तरकारी बनेबा प्रोसेस को जीवा। तो यही कड़ई रे मु माछ को फ्राई करी एही तेल रे। तो से माछ तेल रे ही आमे तरकारी बनेबा। तो तेल गरम हे गलाणी। तो एथिरे आमे ऐड करिबा गोटे चामच पंचफुटण। पंचफुटणर फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आसी था आपड़ निश्चय ऐड करूँ। दुईटी कंचा लंका ऐड करवा फुटण को फुटवाक दबा। ये देखूँ फुटण फुटी आसला पिसिकी रखी मसला को ऐड करवा। एबे चलूँ ये किसी सुखा मसला ऐड करवा। हाफ चामच हलदी पाउडर गोटे चामच रेड चिली पाउडर हाफ चामच धनिया पाउडर दे भल भाव मिक्स करवा। आ गैस रो फ्लेम ये हाई रे अच्छी हाई टू मीडियम फ्लेम रे गैस को रखा। आउ मीडियम फ्लेम रे मसला रु तेल छाड़ा पर्यंत 2-3 मिनिट पर मसला को भल भाव कषि नवा। तो ये देखु 2-3 मिनिट हो गला आ मसलार देखु तेल भी छाड़क लगे। तो ये चलतु ए मिक्स करवा टमाटर। तो ये मुझे 4 बड़ साइज़र टमाटर को काटि नहीं आपड़ चाहिए आपण टेस्ट अनुसार टमाटर क्वांटिटी कम बेसी करें। तो ये चलतु स्वाद अनुसार लुण ऐड करवा आ टमाटर को मसला सांग भल भाव मिक्स कर। तो ये मुझे भल भाव मिक्स कर। तो ये चलतु आपको कभर करदे गैस रो फ्लेम को पूरा लो रे रखिबा। लो फ्लेम रे 3-4 मिनिट पर्यंत टमाटर को सीझिबा पई छाड़ी दबा। तो एठी देखंतु 3-4 मिनिट हे गलाणी आ टमाटर भी एठी हमरो सीझी गलाणी। आ पुणी थरे आमे एही मसला को 4-5 मिनिट पई मसला रु तेल छाड़ीला पर्यंत टमाटर पूरा मसला संगरे मिक्स हेला पर्यंत आमे भल भाबरे मसला को कसि नबा। तो ये देखु 3-4 मिनिट हो गला आ मसला बहुत बढ़िया भाव में तेल भी छाड़क लगे आ बहुत बढ़िया बास्ना भी आसुची। तो ये चलतु एथेरे मिक्स करवा पानी 2 ग्लास पानी ऐड करवा आ सबको भल भाव मिक्स करनवा। तो
तो एबे चालंतु गैस रो फ्लेम को हाई रे रखिबा। हाई फ्लेम रे आमे आकु कभर करि दबा आ एही तरकारी को फुटिया पई छाडी दबा 2-3 मिनिट पई। तो ये देखु 2-3 मिनिट हो गला हाई फ्लेम रे तरकारी बहुत बढ़िया भाव में फुटी आसला। तो ये चलतु ये फुटुवा तरकारी चलतु आम भाजिक रखी मछक आड करवा। तो ये मछक सब आड कर तो भल भाव मिक्स कर। तो ये आमर गैस रो फ्लेम हाई रे अच्छी। तो एबे गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबा। मीडियम फ्लेम रे कभर दे 4-5 मिनिट पाई कुक कर नबा। तो ये देखु 4-5 मिनिट हो गला आ तरकारी भी इटी आमर रेडी हो गला बहुत सुंदर भी देखा जाउछि। तो लास्ट रे चलंतु आड करिबा काटिके रखिथिबा धनिया पत्र। धनिया पत्र आड कला गैस को ऑफ करि दबा। तो ये आमर प्रस्तुत हो गला पम्फ्रेट माछर रेसिपी। तो एबे चालंतु एही गर्मा गरम पम्फ्रेट माछ को सर्विंग प्लेट को सर्व करिबा। तो ये देखु आमर पम्फ्रेट माछ रेडी हो गला। आ ये देखा को जिते सुंदर खाइले भी सेतिक टेस्टी लगी थाए। आपण आपको गरम गरम भात सांगे रे खाइबा को दियंतु। यार टेस्ट बहुत ही भल। आशा करूछि आपणको मोर रेसीपीटी भल लगिथिबो। जदि आपणको मोर रेसीपीटी भल लगिछि ताले लाइक करंतु शेयर करंतु प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जम्मारू भूलिबेनि। बाय फ्रेंड्स।